नोटबंदी के समय बैंक की लाइन में जन्मे खजांची नाथ का नामांकन करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसका दाखिला निजी स्कूल में कराया। सोमवार को वो पहले दिन स्कूल गया और क्लास में बैठा। हर साल अखिलेश यादव उसका जन्मदिन मनाते हैं और अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठाएंगे। देश में नोटबंदी के समय 2 दिसंबर 2016 को कानपुर देहात में झिंझक स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में रुपए बदलने के लिए सरदारपुरवा जोगी डेरा निवासी गर्भवती सर्वेशा देवी कतार में खड़ी थी। तेज धूप से बेहाल सर्वेशा देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो वहां मौजूद महिलाओं के सहयोग से उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। नोटबंदी को लेकर ऐसे हालात पर सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा था। उन्होंने सर्वेशा देवी से मिलकर पूर्व पुत्र का हालचाल लिया था। मां सर्वेशा देवी के अनुरोध पर उन्होंने उसका नाम खजांची नाथ रखा था। खजांची नाथ का दाखिला झिंझक के रामा इंटरनेशनल स्कूल में प्ले ग्रुप क्लास में कराया गया। वह पहले दिन स्कूल गया और बच्चों के साथ पढ़ाई की। स्कूल के निदेशक आकाश गुप्ता ने बताया कि शनिवार को खजांची नाथ का प्ले ग्रुप में दाखिले की प्रक्रिया पूरी की गई और सोमवार के दिन वो पहले दिन क्लास में आया। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए आप देख रहे थे कानपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आज प्रथम दिवस खजांची नाथ का हमारे विद्यालय रामा इंटरनेशनल झिंझक में रहा, जो कि बीते दिवस शनिवार को माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार पल्लवी पाल सपा नेता व सपा की समाज सेविका जो कि औरिया की हैं, उन्होंने उनकी माताजी के साथ आकर प्रवेश की सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराया तथा स्कूल उसके एडमिशन से गौरवान्वित महसूस कर रहा है एवं उस क्षेत्र को नई शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरीके की शिक्षा अच्छा होगी यहाँ से उसकी स्टार्टिंग? अभी वो पीजी क्लास से यहाँ से स्टार्ट करेगा, शुरुआत से नर्सरी से। इसके बाद हमारा विद्यालय जैसे जैसे निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, उसकी शिक्षा उसके साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी।